वर्ल्ड, विंटर सीजन ऑलमोस्ट आने ही वाला है और विंटर सुनते ही जो फ्रूट्स का नाम पहले आता है या तो स्ट्रॉबेरीज या ऑरेंजेस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक स्ट्रॉबेरी केक बनाया जाए, दैट टू विदाउट फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। बहुत सारे जगह पे स्ट्रॉबेरीज अभी भी नहीं मिलते, अगर मिलते भी है तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो दैट्स व्हाई आई थॉट क्यों ना एक केक बनाया जाए जिसमें फ्रेश स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। आज जिस तरीके से मैंने स्ट्रॉबेरी केक बनाया, इट्स डिलीशियस एंड यम्मी एंड इट्स इनएक्सपेंसिव ऑल्सो। और इसे आप कोई भी सीजन पे बना सकते हो, विंटर के लिए आपको वेट करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें से स्ट्रॉबेरी एसेंस यूज करूंगी, इसमें एक मैजिक इंग्रेडिएंट भी यूज होगा। वो हीरो इंग्रेडिएंट क्या है जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा वीडियो। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्टली एक बोल में हाफ कप शुगर लेना है, पाउडर्ड शुगर। उसमें 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल ऐड करना है, फिर उसे अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद हाफ कप बटर मिल्क मैं उसमें ऐड कर दूँगी और फिर वही मिक्स करना जब तक शुगर डिजॉल्व ना हो जाए। फिर मैं स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड करूँगी, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून। इससे केक स्पंज में भी एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आएगा। फिर उसको दिखने में भी अच्छा करने के लिए उसमें 1 ड्रॉप पिंक फूड कलर ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है पर आई वुड सजेस्ट कि आप ऐड करें, उससे दिखने में भी और ज़्यादा अच्छा लग। फिर मैंने उसमें ऐड किया फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस। अब मैं ऐड करूँगी 1 कप रिफाइंड फ्लावर और मैदा। तो इसे एक साथ नहीं डालना है, बैचेस में ऐड करना है। पहले थोड़ा सा ऐड करके मिक्स करना, फिर उसके बाद और एक बैच ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर लेना। फिर उसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून यूज़ कर रही थी इसलिए मैंने 2 बार ऐड किया, और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो थोड़ा मिल्क भी ऐड कर सकते हो, कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं बहुत गाढ़ा भी नहीं। अब इसे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी केक मोल्ड पे। यहाँ पर मैंने केक मोल्ड लिया है, उसमें बटर पेपर ऐड कर दिया है और ऑयल से भी ग्रीस कर लिया है। अब इस पे मैं केक बैटर डाल दूँगी। जब मैं ये बना रही थी तो एक बहुत स्वीट सेंट आ रहा था, वो सेंटेड कैंडल का और केक का भी, तो माहौल अच्छा बन गया था। अब मैं इसे बेक करूँगी 180 डिग्री सेल्सियस में 40 मिनट्स के लिए। तो केक मेरा रेडी हो चुका है और ये बटर पेपर रिमूव करने वाला पार्ट सबसे सेटिस्फाइंग है। चलो अब इसे कट कर लेते 2 पार्ट्स में। आप 3 पार्ट्स में भी कट कर सकते हो पर मैं उतना प्रोफेशनल नहीं हूँ कट करने में, तो इसीलिए 2 ही काफ़ी है। अब देखो कितना प्यारा कलर आया है केक का, बेबी पिंक जैसा। अब मैंने यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम ले लिया है, इसको अब अच्छे से फ्रॉस्टिंग कर लेते हैं। वैसे ही पहले बोर्ड पे थोड़ा मैंने क्रीम लगा दिया ताकि केक अच्छे से चिपक जाए बोर्ड से। केक में शुगर सिरप ऐड करके उसको मॉइस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद मैं ऐसे बॉर्डर में व्हिप क्रीम लगा रही हूँ क्योंकि अंदर में जाएगा हमारा हीरो इंग्रेडिएंट स्ट्रॉबेरी कंजर्व, इसे स्ट्रॉबेरी कंपोट भी कह सकते हो। तो मैंने इसे बिग बास्केट से मंगाया है, ये मुझे अराउंड 120 का पड़ा था 330 ग्राम्स के लिए। सुनने में तो एक्सपेंसिव लग रहा है पर रियल स्ट्रॉबेरीज से बहुत कम में मिला है क्योंकि इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इससे आप इजीली ऐसा 4-5 केक बना लोगे, इतना क्वांटिटी है। ये आपको इजीली बिग बास्केट या अमेजोन पे तो मिल ही जाएगा। अगर ये नहीं भी मिलता है तो आप स्ट्रॉबेरी जैम का भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी सेम टू सेम टेस्ट आता है स्ट्रॉबेरी फिलिंग वाला। स्ट्रॉबेरी जैम तो शायद इससे कम में भी आ जाएगा और टेस्ट बढ़िया आएगा और सेम टू सेम ही आएगा। आप एक बार बना के तो देखो। मेरा केक का जो बेस फ्रॉस्टिंग है वो तो हो चुका है, केक बोर्ड भी क्लीन हो गया है। अब इसे मैं फ्रीज करूँगी 30 मिनट्स के लिए। केक बाहर आ चुका है, अब इसे फाइनल डेकोरेट करते हैं। यहाँ पर हो गया कांड। मैंने सोचा था एक डिज़ाइन का जहाँ पर ये जो चॉकलेट ड्रिप है उससे करने का, पर ये कुछ अलग ही हो गया। मेरा जो चॉकलेट ड्रिप मैंने बनाया था वो थोड़ा पतला हो गया था, उसे थोड़ा और गाढ़ा करना चाहिए था। पर अब क्या करें, मेरे पास और सामान भी नहीं था कि मैं दूसरी बार बनाऊं। तो मैंने सोचा थी ठीक है डिज़ाइन चेंज ही कर लेते, जो होगा देखा जाएगा। फिर अच्छा ही हुआ, थैंक गॉड मैंने डिज़ाइन चेंज कर लिया, क्योंकि जो डिज़ाइन मैंने सोचा था और जो डिज़ाइन मैंने बाद में किया वो उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये जो बेकरी स्टाइल में केक डिज़ाइन होता है ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ना। वैसा तो नहीं है पर थोड़ा बहुत तो लग ही रहा है ना। मैं तो बहुत खुश थी और सेटिस्फाइड थी कि अच्छा चलो केक दिख तो रहा है अच्छा, जैसे भी मैंने किया हो। तो वही ये मेरा इंस्टेंट डिज़ाइन था जो दिमाग में आया कर दिया।
बेकरी केक्स के नीचे जैसा बॉर्डर होता है ना, मैं वो करने की कोशिश कर रही थी, पर आई वॉज क्लियरली फेल्ड, क्योंकि मुझे टेक्निक पता नहीं था ना। मेरे पास नोजल भी सेम था, सब कुछ सही था, पर टेक्निक नहीं पता था। पर फिर करते करते एंड में मुझे पता चल ही गया कि कैसे होता है। करते करते थोड़ा दिमाग लगाया तो टेक्निक बाहर आ ही गया। लो अब फर्स्ट में जैसा भी हो, एंड वाला तो अच्छा ही है ना। इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो थैंक गॉड, ये भी सही हो गया, केक का डिज़ाइन भी सही हो गया, अब मैं चैन की नींद ले सकती हूँ। तो आप लोग बताओ कि ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत एक इम्प्रॉम्प्टू सा डिज़ाइन है। पहले मैं कुछ और ही सोच रही थी, बाद में कुछ और ही हो गया, पर जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, अच्छा ही हुआ है ना। आप लोग बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।